नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। क्रूज ड्रग्स केस में 28वें दिन आर्यन खान जमानत पर रिहा हुए। उनके घर मन्नत के बाहर ढोल नगारों की थाप पर फैंस नाचते गाते रहे, पटाखे फूटते रहे और फैंस नारे लगाते रहे, वी लव यू प्रिंस। तो मुंबई क्रूज ड्रग्स केस अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक और आर्यन खान का मामला है तो दूसरी ओर एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच। बहरहाल बॉलीवुड फिल्मों में सपोर्टिंग भूमिका निभाने वाले और कई टीवी शोज में पिता और दादा का रोल प्ले करने वाले दिग्गज एक्टर यूसुफ हुसैन के निधन से शोक की लहर है। इसी बीच पहली पत्नी के साथ तलाक होने की झूठी बात बताकर पुलिस सब इंस्पेक्टर, महिला के साथ नाजायज संबंध रखने वाले सहायक पुलिस इंस्पेक्टर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी प्रवर्तन निदेशालय के समन को खारिज करने का अनुरोध ठुकरा दिया है। प्रदेश की इन पांच बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल से रिहा होकर 11:30 बजे अपने घर मन्नत पहुंच गए हैं। घर के बाहर ढोल नगाड़ों की थाप पर फैंस नाचते गाते रहे, फटाके फूटते रहे और फैंस नारे लगाते रहे, वी लव यू प्रिंस। क्रूज ड्रग्स केस में 28वें दिन आर्यन जमानत पर रिहा हुए। 11 बजे जेल से रिहा होकर आर्यन खान सीधे मन्नत पहुंचे। आर्यन बॉडीगार्ड रवि के साथ जेल से बाहर निकले और रेंज रोवर कार में सवार होकर अपने घर पहुंचे। इसके पहले जेल के अंदर रिहाई की प्रक्रिया होने के बाद करीब 10:30 बजे बॉडीगार्ड रवि जेल के अंदर गए थे। उन्होंने ही आर्यन का हैंडओवर लिया है। जेल के बाहर गाड़ियों का काफिला आर्यन का इंतजार कर रहा था। पिता शाहरुख ने अपनी कार रेंज रोवर आर्यन को लाने के लिए जेल भेजी थी, हालांकि वह खुद नहीं पहुंचे। आर्यन की जमानत जूही चावला ने ली। शाहरुख खान के वकील ने कहा कि जूही चावला बचपन से ही आर्यन को जानती है, दोनों के पारिवारिक और प्रोफेशनल रिश्ते हैं। आर्यन का विस्तृत बेल ऑर्डर करीब 5 पेज का है, जिसके मुताबिक आर्यन और उनके दोनों साथियों को 1,00,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। इसके साथ ही उन्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक और आर्यन खान का मामला है तो दूसरी ओर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच। नवाब मलिक के ताबड़तोब हमलों के बाद समीर वानखेड़े सवालों के घेरे में आ गए हैं। इतना ही नहीं, एक नई जानकारी जो सामने आई है उससे एनसीबी भी सवालों के घेरे में आती दिख रही है। आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी ने जिन 10 गवाहों को पेश किया था उनमें से एक शख्स ऐसा भी है जिसका इस्तेमाल पंच गवाह के रूप में 1 साल के भीतर एजेंसी 5 मामलों में कर चुकी है। इस शख्स का नाम है आदिल फजल उस्मानी। एनसीबी के स्वतंत्र गवाह किरण गोसावी और मनीष भानुशाली को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। बता दें कि फरार चल रहे किरण गोसावी को 2018 के धोखाधड़ी मामले में पुणे पुलिस ने 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। वहीं मनीष भानुशाली पर आरोप है कि उसका भाजपा से संबंध है। इसके अलावा गवाह प्रभाकर सेल ने एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर उन्हें खाली पन्नों पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया है। एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें ज्ञात पंचों पर वापस आना होगा, क्योंकि ड्रग्स केस में रेड के दौरान किसी डर और कानूनी उलझनों से बचने के लिए लोगों को बोलने के लिए तैयार करना व्यवहारिक रूप से कठिन काम है। बॉलीवुड फिल्मों में सपोर्टिंग भूमिका निभाने वाले और कई टीवी शोज में पिता और दादा का रोल प्ले करने दिग्गज एक्टर यूसुफ हुसैन का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। एक्टर के निधन की पुष्टि उनके दामाद डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक भावुक नोट के साथ किया है। एक्टर के निधन की जानकारी सामने आते ही बॉलीवुड शोक में डूब गया। एक्ट्रेस पूजा भट्ट, एक्टर अभिषेक बच्चन, मनोज वाजपेयी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। यूसुफ हुसैन टीवी और फिल्मों का जाना माना चेहरा रहे। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग दिखाई। इनमें क्रेजी कुक्कड़ फैमिली, रोड टू संगम, विवाह, धूम 2, रेड स्वास्टिक, एस्केप फ्रॉम तालिबान, कुछ न कहो जैसी फिल्में शामिल है। वही टीवी पर भी वो CID, कुमकुम, हर घर कुछ कहता है जैसे सीरियल में दिखाई दिए। टीवी शो में उन्होंने अधिकतर पिता का रोल प्ले किया है। यूसुफ हुसैन को आखिरी बार वेब सीरीज हॉस्टेज में डॉक्टर अली के किरदार में देखा गया था। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने यूसुफ हुसैन को याद करते हुए फिल्म बॉब बिस्वास में बिताए गए पलों का अपने पोस्ट में जिक्र किया तो पूजा भट्ट ने लिखा, बहुत दुख पहुंचा, गहरी संवेदना। पूजा, अभिषेक के अलावा एक्टर मनोज वाजपेयी ने भी शोक व्यक्त करते हुए लिखा, दुखद समाचार, पूरे परिवार के प्रति संवेदना। पहली पत्नी के साथ तलाक होने की झूठी बात बताकर पुलिस सब इंस्पेक्टर, महिला के साथ नाजायज संबंध रखने वाले सहायक पुलिस इंस्पेक्टर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत के अनुसार आरोपी ने इस महिला के साथ उसके 5 वर्ष के बेटे के सामने बार बार अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी सहायक पुलिस इंस्पेक्टर का नाम हरीश सुभाष ठाकुर है। वह फिलहाल बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में तैनात है।
यह घटना 2013 से अब तक नवी मुंबई के कलंबोली और आरोपी के खड़की स्थित घर में हुई। महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर ने खड़की पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने पहली पत्नी से तलाक होने की झूठी बात बताई, शिकायतकर्ता के साथ शादी की और शादी के बाद आज तक आरोपी ने लगातार महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण किया, बार बार अप्राकृतिक संबंध बनाया। आरोपी ने उसके 5 वर्ष के बेटे के सामने भी शारीरिक संबंध बनाया। यही नहीं, नवी मुंबई के घर में 2015 में आरोपी ने शिकायतकर्ता को जान से मारने के उद्देश्य से सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग की। इस घटना में गोली शिकायतकर्ता के बाएं हाथ की हथेली में लगने से वह जख्मी हो गई। आरोपी के दबाव के कारण महिला ने आज तक इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी प्रवर्तन निदेशालय के समन को खारिज करने का अनुरोध करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि देशमुख इन समन को रद्द करने के पक्ष में मामला बनाने में असफल रहे। अदालत ने कहा कि पूर्व मंत्री की याचिका इस योग्य नहीं है कि उसके आधार पर निदेशालय या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को उनके खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोका जाए। बहरहाल अदालत ने यह कहा कि यदि देशमुख को इस मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है तो उनके पास किसी भी अन्य वादी की तरह उचित अदालत के पास जाकर राहत मांगने का अधिकार है। अदालत ने निदेशालय को निर्देश दिया कि वह देशमुख से पूछताछ के दौरान उनके वकील को केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में इतनी दूरी पर मौजूद रहने की अनुमति दे जहां उन्हें देख सके लेकिन सुन नहीं सके। बता दें कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार और अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप को लेकर इस साल 21 अगस्त को राकापा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद निदेशालय ने देशमुख एवं अन्य के खिलाफ जांच आरंभ की और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। देश में अब चुनावी आगाज होने लगा है, रणनीति बनने लगी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अहम है। भाजपा इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में लग गई है। भाजपा नेता अमित शाह ने खुद इसकी कमान संभाल ली है, तो लोकसभा के 3 और 13 राज्यों में फैली विधानसभा की 29 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहे हैं। अधिकतर सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करना दिल्ली पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया, उसे बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी बीच टीकरी बॉर्डर खुलने पर संशय बरकरार है। किसान नेताओं, दिल्ली पुलिस व झज्जर प्रशासन की हुई बैठक में किसानों द्वारा सिर्फ 5 फीट का रास्ता देने की बात कहने से मामला अटक गया है। उधर मेरठ के एक छात्र ने सुरक्षा चश्मा तैयार किया है, इसके पहनने से यदि वाहन चालक की झपकी आती है तो उसके कान के पास अलार्म बजने लगेगा जिससे उसकी नींद टूट जाएगी। देश की इन 5 बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। भाजपा के वरिष्ठ नेता व गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। अनुशासन और महत्वाकांक्षाओं पर लक्ष्मण रेखा खींचते हुए उन्होंने कहा कि सबकी जिम्मेदारी तय होगी, काम मिलेगा, कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे, कुछ लोग चुनाव लड़वाएंगे, सबको मिलकर मिशन 2022 में जुटना होगा। इशारों में ये भी नसीहत दी कि चुनाव के समय निष्ठा बदलने से स्थितियां नहीं बदलेंगी, आया राम गया राम नहीं चलेगा, पार्टी के हर कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल सकती। आपको जब टिकट मिली थी तब कुछ लोगों को टिकट नहीं मिली होगी, लेकिन उन्होंने आपको जिताने में योगदान दिया, इसीलिए संगठन जो कहे उसे अमल में लाइए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बनी गठबंधन सरकार की नजीर देते हुए कहा कि हमारे पास अपना पूरा संख्या बल नहीं था तो निर्णयों के लिए दूसरों की इच्छा व समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता था। जब केंद्र व प्रदेश में मजबूत सरकार बनी तो सभी कोर मसलों पर निर्णय लिया जा सका, इसीलिए मजबूत सरकार के गठन के अभियान को जारी रखना है। इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 के पार पर पूरी तरह अमल करते हुए अभियान को तेज करना है। देश में दादरा व नगर हवेली सहित लोकसभा की 3 और 13 राज्यों में फैली विधानसभा की 29 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहे हैं। मतदान प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के साथ ही कोविड बचाव उपाय भी सुनिश्चित किए गए। अधिकतर सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। दादरा व नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश के मंडी और मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा सीटों पर उपचुनाव है। वहीं जिन 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें असम में 5, पश्चिम बंगाल में 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय में 3-3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में 2-2, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम तथा तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल है। मतगणना 2 नवंबर को होगी। नागालैंड की शामतौर चेसौर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई थी।
हालांकि क्षेत्रीय दल नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार को 13 अक्टूबर को निर्विरोध विजयी घोषित किया गया। लोकसभा की 3 सीटों पर सदस्यों के निधन के चलते उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं कुछ विधानसभा सीटों पर विधायक के निधन के कारण, जबकि कई सीटों पर विजयी उम्मीदवार के दल बदलने के लिए इस्तीफा देने के कारण सीट रिक्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करना दिल्ली पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। इसका पता चलने पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने तत्काल उसे बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। उत्तरी जिले के सब्जी मंडी थाने में तैनात सिपाही मनीष मीणा ने इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। सिपाही मनीष मीणा ने पोस्ट में लिखा था कि किसान विरोधी पार्टियों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, आंदोलन को कुचलने में असफल हो गए तो अब किसानों को कुचल रहे हैं। किसान इस देश का अन्नदाता है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है और यह देश हित में नहीं। उसने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि अरे भाइयों, वह मंत्री हिस्ट्री शीटर है तो उनकी गाड़ी चढ़ेगी ही। इंटरनेट मीडिया पर इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट डालने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। आला अधिकारी तुरंत सक्रिय हुए। आनन फानन में साइबर की टीम ने इसे ओरिजिन को बता किया और तस्दीक देते हुए सिपाही से पूछताछ की गई। इसके बाद यह कदम उठाया गया। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेटिंग हटाने की कार्रवाई से बहादुरगढ़ के उद्यमियों व व्यापारियों को उम्मीद जग गई थी कि उन्हें दिल्ली से आवागमन करने के लिए सीधा रास्ता मिल जाएगा, मगर किसान नेताओं, दिल्ली पुलिस व झरझर प्रशासन की हुई बैठक में किसानों द्वारा सिर्फ 5 फीट का रास्ता देने की बात कहने से बॉर्डर खुलने पर संशय हो गया। ऐसे में यहाँ के उद्यमियों व व्यापारियों को और भी नुकसान सहना पड़ेगा। बहादुरगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के वरिष्ठ उप प्रधान नरेंद्र छिकारा ने बताया कि यहाँ के उद्यमी 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठा चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि दिवाली से पहले यह बॉर्डर खुल जाए तो उनकी भी दिवाली अच्छे से मनाई जाए और कारोबार पटरी पर लौट जाएं। मगर पहले कोरोना और अब 1 साल से आंदोलन की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है, अतिरिक्त खर्च बढ़ चुके हैं, किराया बढ़ गया है। ऐसे में फायदे की बजाय 1 साल से उनका कारोबार घाटे में ही चल रहा है। अगर बॉर्डर नहीं खुलता है तो यह घाटा और भी सहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से किसान, दिल्ली पुलिस व सरकार अपनी बात पर अड़े हुए हैं, इसे बॉर्डर खोलना मुश्किल लग रहा है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि बॉर्डर खोलकर यहां के उद्यमियों को दिवाली का तोहफा दिया जाए ताकि उनके कारोबार ठीक ढंग से चल सके। नींद के चलते आए दिन लोग सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। ड्राइविंग के दौरान चालक की नींद की समस्या खत्म करने के लिए मेरठ के एक छात्र सचिन ने एक सुरक्षा चश्मा तैयार किया है। यदि वाहन चालक को झपकी आती है तो उसके कान के पास अलार्म बजने लगेगा, जिससे उसकी नींद टूट जाएगी। चश्मे पर लगे सेंसर की वजह से जैसे ही व्यक्ति को झपकी आएगी, फौरन बीप की आवाज शुरू हो जाएगी। यह अलार्म तब तक बजेगा जब तक नींद उड़ नहीं जाती। जैसे ही ड्राइविंग के वक्त नींद उड़ी, फिर से चश्मा सामान्य चश्मे की तरह ही व्यवहार करने लगेगा। ITI के छात्र सचिन का कहना है कि अपने प्रयोग को वो पेटेंट करवाएंगे। अभी तो प्रयोग इंडोर ही कार्य कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में आउटडोर भी कार्य करेगा। दरअसल ITI दूसरे वर्ष के छात्र सचिन के रिश्तेदारों में कुछ साल पहले एक सड़क हादसा वाहन चालक की झपकी के कारण हुआ था। उस हादसे ने सचिन इस कदर विचलित हुए कि उन्होंने समस्या को सामने रखते हुए नींद उड़ाने वाला सुरक्षा चश्मा तैयार कर दिया। सचिन ने जो चश्मा बनाया उसमें नैनो डिवाइस, एडवांस माइक्रो कंट्रोलर, इंफ्रारे सेंसर, एक छोटा बजर और बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल यह चश्मा 4 पहिया वाहन चालकों के लिए है। चश्मे को और भी बेहतर बनाने की कोशिश है, जिससे इसके सभी डिवाइस चश्मे के फ्रेम में ही आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज खास दिन है। वे फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों समेत 3 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएत्रो पैरोलिन से भी बातचीत करेंगे। उधर रूस और यूक्रेन एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अब 2 टूक कह दिया है कि हम शायद कभी भी पता नहीं लगा सके कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई। इस बीच इस दीपावली में भी चीन को भारतीय बाजारों में लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। विरोध के कारण पिछले कुछ सालों से चीन के सामान की मांग धीरे धीरे कम हो गई है।
तो पाकिस्तान में इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच की खटास कम नहीं हो रही है। पाकिस्तानी सेना भी अब इमरान खान से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। दुनिया भर के इन 5 बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन है। आज शनिवार को मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों समेत 3 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से भी बातचीत करेंगे। पोप से मुलाकात प्रधानमंत्री के ऑफिशियल शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। हालांकि अब यह तय हो गया है कि पोप से मिलने के लिए मोदी वेटिकन सिटी जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मोदी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों के बीच पिछले महीने आकस के मसले पर भी बातचीत हुई थी, हालांकि तब ये बातचीत फोन पर हुई थी। अब मोदी की कोशिश होगी कि किसी भी तरह आकस देशों के बीच मतभेद न हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चीन हिंद और प्रशांत महासागर में इसका फायदा उठा सकता है और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा। पोप फ्रांसिस से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री वेटिकन सिटी जाएंगे। पोप और मोदी की यह पहली मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पोप से मिल रहे हैं। मोदी और बाइडेन के बीच भी संक्षिप्त मुलाकात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस और यूक्रेन एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाल में ही यूक्रेन ने पूर्वी हिस्से में सक्रिय रूसी अलगाववादियों पर ड्रोन से हमले किए थे। इन हमलों में रूस समर्थित कई विद्रोही मारे गए थे। उसके बाद से ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने क्रीमिया और यूक्रेन से लगी दूसरी सीमाओं पर सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें रूसी सेना सैन्य साजो सामान के साथ आवाजाही करते दिख रही है। ये गाड़ियां कुर्स्क शहर के बाहर से यूक्रेनी सीमा की ओर बढ़ती दिख रही है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि इस तनाव के कारण सीमा पर कुछ भी हो सकता है। यह 2015 के सर्दियों जैसी स्थिति है, दिन नहीं तो महीनों में जरूर कुछ हो सकता है। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में यूक्रेनी सेना ने डोनबास में अलगाववादियों के खिलाफ तुर्की के मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों के साथ हमले किए थे। जनवरी 2015 में यूक्रेन और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच भयंकर झड़पें हुई थी। 12 फरवरी 2015 को नए युद्ध विराम पर सहमति होने से पहले डोनेट्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और डेबाल्टसेव में भीषण संघर्ष हुआ था। रूस की स्टेट ड्यूमा कमेटी ऑन डिफेंस के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन की कार्रवाइयों से क्षेत्र में हिंसा भड़कने का खतरा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि हम शायद कभी भी पता नहीं लगा सके कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई। उन्होंने अपने एक नए रिपोर्ट्स में कोरोना वायरस के जानवरों से इंसानों में आने या लैब से लीक होने पर विस्तार से बताया है। उन्होंने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया है जिसमें कोरोना वायरस को बायो हथियार बताया गया। कहा है कि इस थ्योरी के समर्थकों की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तक सीधी पहुंच नहीं है। यह रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को अगस्त में जारी किए गए 90 दिनों की समीक्षा का अपडेट है। कुछ अमेरिकी जासूस एजेंसियों ने इसका पुरजोर समर्थन किया था कि वायरस की उत्पत्ति प्रकृति में हुई थी, लेकिन इसकी बहुत कम पुष्टि हुई है। 4 अमेरिकी जासूस एजेंसियों और एक मल्टी एजेंसी बॉडी को कम यकीन है कि कोरोना वायरस एक संक्रमित जानवर या संबंधित वायरस से उत्पन्न हुआ है। अमेरिकी जासूसी एजेंसियों का मानना है कि वे नई जानकारी के बिना कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए निश्चित स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। बता दें कि कोरोना वायरस उत्पत्ति की जांच में चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सहयोग नहीं किया है, जिसे लेकर शी जिनपिंग सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा है। इस नए रिपोर्ट पर अब तक चीन ने कोई कमेंट नहीं किया है। इस दीपावली में चीन को लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दरअसल भारत में त्योहार के मौसम पर हमेशा की खपत के आधार पर चीन सामान तैयार करता है। पिछले कुछ सालों से चीन के सामान का विरोध हुआ तो मांग धीरे धीरे कम हो गई है। पिछले अनुभव के आधार पर डर से व्यापारियों ने इस बार भी चीन से सामान लाने पर जोर नहीं दिया, इस कारण उसे यह नुकसान हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स अर्थात कैट ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि 50 करोड़ रुपए के व्यापार के नुकसान का अनुमान है। हालांकि इस बार खरीदारी में तेजी देखी जा रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए के इजाफे की संभावना है। कैट ने बताया है कि यह अनुमान 20 शहरों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर लगाया गया है। साल की शुरुआत के साथ ही 5 महीनों में चीन से लगभग 70,000 करोड़ रुपए का माल आयात किया जाता है। चीन को गणेश चतुर्थी में 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उस वक्त ही भारतीय बाजार ने चीन को बड़े झटके के संकेत दे दिए थे। भारतीयों की यह चाहत देश के लिए फायदे का सौदा है। चीनी सामानों के प्रति अपनी कमजोरी अब दूर हो रही है। हाल में ही इमरान खान सरकार ने बाजवा के खास नदीम अंजुम की ISI चीफ के तौर पर नियुक्ति को
हरी झंडी दे दी है। हालांकि इमरान खान इससे पहले के आईएसआई चीफ फैज हमीद को ही सेवा विस्तार देना चाहते थे। फैज हमीद ही वह शख्स था जिसने 2018 के चुनाव में इमरान खान की पार्टी को जीत दिलाने में मदद की थी। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के पीछे भी फैज हमीद का ही दिमाग था। विश्लेषकों का मानना है कि इमरान खान चाहते थे कि फैज हमीद 2022 में बाजवा के रिटायर होने के बाद पाकिस्तानी सेना की कमान संभाले। इमरान खान को उम्मीद है कि फैज हमीद 2023 के चुनाव में इमरान खान को फिर एक बार सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। दूसरी तरफ विपक्षी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ओर से सेना की बढ़ती आलोचना से भी इमरान खान घबराए हुए हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना भी अब इमरान खान से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। विपक्षी दलों ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों पर इमरान सरकार में अनुचित प्रभाव रखने और अवैध तरीके से पैसा कमाने का आरोप लगाया है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूज़। नमस्कार।